पिछले वर्ष पानी की कमी से जूझ रहे अजमेर में अब पानी की बर्बादी शुरू हो गई है। शहर में जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कई स्थानों पर पानी की पाइपलाइन में लीकेज देखी जा रही है और इसके चलते सड़क पर पानी बहता नजर आ रहा है। अजमेर के सुभाष नगर उद्यान के गेट के सामने नजदीक पेयजल पाइपलाइन से तीव्र गति से पानी का फवारा देखने को मिला। इसके कारण सड़क पर चलने वाले राहगीरों के साथ ही विभिन्न लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी की बर्बादी भी देखने को मिल रही है। इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कई घंटों तक पानी व्यर्थ रोड पर बहता रहा। इससे पहले भी एसकेवी टीवी ने अलग अलग स्थानों पर पानी की बर्बादी को लेकर वीडियो दिखाई थी।